हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अल्कोहल प्रोडक्शन की बात की थी। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब माइक्रोब्स जो हैं उनको एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अब जैसे ये टर्म एंटीबायोटिक है दैट वॉज गिवन बाय वेक्समैन, और ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं विच किल अदर माइक्रोब्स। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वॉज डिस्कवर्ड दैट वॉज पेनिसिलिन। हमें इसके बारे में पता है कि दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम नोटेटम एंड दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ठीक है, ही फाउंड कि जहां पर पेनिसिलियम है वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम हो रही है इन द कल्चर मीडियम, एंड व्हेन दैट केमिकल वाज लेटर ऑन एक्सट्रैक्टेड इट वाज नेम्ड पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलियम नाम की फंगस जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता रहा है, आज तक भी किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। Now, up till now, there are around 7,000 antibiotics which have been discovered. और ये अलग अलग microbes पे act करते हैं। जो antibiotics ज्यादा microbes पे काम करता है they are called as broad spectrum antibiotics. Broad means ज्यादा चौड़े पे, जो ज्यादा antibiotics पे ज्यादा microbes के ऊपर effective है, लेकिन जो कम microbes पे effective है they are called as narrow spectrum antibiotics. ठीक है जी, जो ज्यादा पे एक्ट कर रहा है दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और जो कम माइक्रोब्स के ऊपर इफेक्टिव होता है दैट इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नाउ हाउ एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियाइडल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियाइडल मीन्स दे किल द बैक्टीरिया। ठीक है, साइडल इज रिलेटेड टू किलिंग। ठीक है, सो जो बैक्टीरिया को किल करते हैं दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियाइडल। और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रोक देना, दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ हाउ दे एक्ट, फर्स्ट इज बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल नहीं बनती बैक्टीरिया में, उसके रोकते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, बेसिट्रेसिन है। ऐसे डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमें पता है उसकी बाउंड्री है बैक्टीरिया की, और वो उसमें जो भी कोई चीज वाटर कितना अंदर जाएगा या कौन सी चीज कितनी अंदर जाएगी उसको कंट्रोल कर दिया है, तो वो उसकी सिंथेसिस को रोक रहा है या उसकी रिपेयर को रोक रहा है, दैट इज एम्फोटेरिसिन मिस्टैटिन एक्सेट्रा। ऐसे ही 50S राइबोसोम के फंक्शन को रोकता है, तो हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है, इसमें आ जाता है रिथ्रोमाइसिन। ऐसे 30S राइबोसोम फंक्शन को रोकता है, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करेगा लेटर ऑन, तो ये आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, दीज आर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। देन एमाइनो असाइल टीआरएनए जो है उसे बाइंड नहीं होने देता राइबोसोम से, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस का ही स्टेप है ये, तो ये एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। ऐसे ही ट्रांसलेशन मतलब इन जनरल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है दैट इज क्लोरामफेनिकोल। तो ये अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं, या सेल वॉल के लेवल पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में किसी ना किसी तरह से राइबोसोम के फंक्शन को अल्टर करके, या फिर जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए को बाइंड नहीं होने देंगे राइबोसोम के साथ, तो इस तरह से अलग अलग तरह से वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटीबायोटिक। हम किस एंटीबायोटिक को कहेंगे कि ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, इसे प्रेफर किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसका जो होस्ट है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बैक्टीरियाज हैं जो हमें इंफेक्शन कर रहे हैं सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो और होस्ट को कोई नुकसान ना हो। एंड इट शुड बी हार्मलेस टू माइक्रोफ्लोरा ऑफ द गट। वी नो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ बैक्टीरियाज हैं विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छे हैं, तो उनको खत्म ना करें ये एंटीबायोटिक। देन इसमें एबिलिटी हो कि पैथोजन के सारे स्ट्रेन्स को ये खत्म कर सके, यानी कि हम कहें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जो ज्यादा पैथोजन्स के ऊपर एक्ट करता है। एंड इट शुड बी क्विक इन एक्शन, इसका इफेक्ट जल्दी हो जाए, ऐसे नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है उसको खत्म करने को।
सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो एक अच्छे एंटीबायोटिक में होने चाहिए. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं. हम वायरसेस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बहुत ही कम, ना के बराबर इसका इफेक्ट है. बिकॉज वायरसेस में हमें पता है देयर इज अ वेरी हार्ड प्रोटीन कोट ओवर देयर, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं. और ज्यादा डोज अगर हम एंटीबायोटिक्स की ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. देयर आर सर्टन साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. और हर एक एंटीबायोटिक हर एक पैथोजन के लिए इफेक्टिव नहीं है. तो ये भी एक इसकी बहुत सीरियस लिमिटेशन है. सो वी कैनॉट टेक आउट कि ये एक एंटीबायोटिक है, हम इसको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता. लेकिन कुछ भी कंडीशन है, हमें एंटीबायोटिक को अपने आप नहीं लेना चाहिए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए. एंड प्रिवेंटिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इट शुड नॉट बी देयर. एंटीबायोटिक्स आर नेवर प्रिवेंटिव, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, इसको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता. नाउ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, मेथड मिलता जुलता ही है कि माइक्रोब को हम लोग स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं और वहां पर हम प्रॉपर पीएच टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रखते हैं. एंटी फोमिंग एजेंट ऐड करते हैं सो दैट इसमें फोम ना बने, झाग ना बने, ठीक है. फिर उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और माइक्रोब को फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, एंटीबायोटिक को भी अलग कर लेते हैं मीडियम से बाय प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्प्शन या सॉल्वेंट ट्रीटमेंट. दीज आर द डिफरेंट मेथड जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंटीबायोटिक को हम लोग प्योरीफाई कर लेते हैं, कंसेंट्रेट करते हैं और उसको बायो से करते हैं. मतलब हम उसका इफेक्ट वगैरह स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा एंटीबायोटिक. नाउ देयर आर सर्टन माइक्रोब्स विच आर यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस. इससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन हमें मिलता है. पेनिसिलियम दैट गिव्स पेनिसिलिन पेट्यूलिन एक्सेट्रा. कुछ लाइकन्स को यूज किया जाता है, कुछ और डिफरेंट फंगस है, दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, दे आर यूज्ड एज मेडिसिंस फॉर पैथोजेनिक और इंफेक्शियस डिजीज. कोई भी डिजीज जो है उसको ठीक करने के लिए एज अ सॉर्ट ऑफ मेडिसिन देते हैं. और कई जगह पर हम फूड में जहां पर पेरिशेबल फूड आइटम है जो जल्दी खराब हो जाता है उसमें हम एज प्रिजर्वेटिव इसको यूज कर लेते हैं. पैस्चराइजेशन के बाद भी यूज किया जा सकता है या कैंड फूड जो कैंस में होता है उसकी उसको खराब होने से बचाने के लिए पैस्चराइज प्रिजर्वेटिव की तरह इसको यूज करते हैं. एनिमल्स के लिए फीड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं जैसे पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. और एंटीबायोटिक जो है दैट शुड बी जुडिशियसली यूज, मतलब समझदारी से इसका यूज करना चाहिए. ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन ओनली, डॉक्टर के कहने पर ही यूज होना चाहिए, अदरवाइज इसका यूज नहीं होना चाहिए. दे आर नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल इन्फेक्शन. हमने इसकी ये लिमिटेशन पढ़ी है कि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी. और प्रोफिलैक्टिक यूज यानी कि प्रिवेंटिव यूज नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक का. ये नहीं है कि हम डिजीज से बचने के लिए एंटीबायोटिक खाते रहे, तो दैट इज नॉट गुड. एंटीबायोटिक शुड बी कंज्यूम्ड ओनली व्हेन देयर इज अ डिजीज. So this was regarding the different production of different antibiotics. अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग enzymes या कुछ और chemicals किस तरह से बनाए जाते हैं by using the enzymes, by using these microbes. Thank you.